फेफना विधानसभा क्षेत्र जो राजनीतिक सुर्खियों में रहता है, आज वो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। आज 3 मार्च है, परिणाम 10 मार्च को आएगा। बड़े शांति तरीके से मतदान हो रहे हैं चितबड़ा गांव में। लोग अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चितबड़ा गांव। फेफना विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति जानने की जरूरत है। वही विधानसभा क्षेत्र जहां गौरी भैया से लगाए अंबिका चौधरी, सुधीर राय और उपेंद्र तिवारी जैसे महा मतलब बड़े बड़े नेता यहां के विधायक रहे हैं। खास तौर पे मुलायम और अखिलेश और योगी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल भी रहे हैं। विकास के नाम पे फेफना क्या रहा ये तो मतदाता खुद जानता है। मत का प्रयोग कर रहा है, विकास कैसा रहा, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने खास तौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र में कैसा विकास किया वो तो मतदान करने से खास तौर पे यहाँ के मतदाताओं से वो जान सकते हैं कि मतदाता यहाँ किस तरह का विकास हुआ जिसके नाम पर वोट हो रहे हैं और लोग वोट कर रहे हैं। अब एक वक्त था, एक समय था जब 2017 में यहाँ पे एक त्रिकोणात्मक लड़ाई थी। बहुजन समाज पार्टी से अंबिका चौधरी उस समय थे मैदान में और समाजवादी पार्टी से संग्राम यादव थे, वो पुनः हैं। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी तिवारी यहाँ मैदान में थे। उस समय जो 2017 के जो चुनाव थे उस चुनाव में 3 कैंडिडेट बहुत ही प्रमुख तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर रही और बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर और समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर रही। अब का जो समय है खासतौर पर 2022 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। 2 कैंडिडेट मुख्य रूप से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि और भी राजनीतिक दल के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी है, BIP है और आम पार्टी है, तमाम यहाँ दल जो है कांग्रेस है, तमाम दल लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुकाबला हो रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला 2 दलों में हो रहा है और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग अपने मत का प्रयोग करें। कांग्रेस पार्टी भी ये पूरी ऊर्जा लगाई है और बहुजन समाज पार्टी भी ऊर्जा लगाई है। सबका मानना है कि इस बार हम अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। दावा सबका है, दावा सभी कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मुकाबला किसके बीच है, मतदाता जिस तरीके से कह रहा है उस हिसाब से यहाँ रोचक मुकाबला किन्हीं 2 दलों में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मतदाता यहाँ अपने मत का प्रयोग करने के बाद बाहर है और मत का प्रयोग हो रहा है। लोग अपने मत का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे चितबड़ा गांव, इस समय दुकानें बंद हैं, लोग अपने दुकानें बंद करके अपने घरों में हैं और वोट की जो चर्चाएं हैं वोट देने के बाद लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या रहा सभा क्षेत्र में। हम से फिर आपसे हम जुड़ेंगे, अब तक के लिए बस इतना ही। ये फिर एक बार हम आपको बूथ दिखाना चाहते हैं, चितबड़ा गाँव का ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जहाँ सभा क्षेत्र का मतदान हो रहा है। आप फिर हम आपसे जुड़ेंगे, इसके लिए अब तक के लिए बस यूपी आजकल देखते रहिए। नमस्कार।